हेलो दोस्त, आज हम डिस्कस करेंगे कि एक सर्जन क्यों इंपॉर्टेंट है हेड ट्रांसप्लांट सर्जरी में। देखो दोस्तों, हेड ट्रांसप्लांट इज अल्टीमेटली अ सर्जरी, और कोई भी सर्जरी में कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। एक अनुभवी सर्जन जब ये सर्जरी करता है तो उसका ध्यान सभी एरियाज पर रहता है कि पेशेंट का कुछ कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है, पेशेंट कंफर्टेबल है या एनेस्थीसिया को प्रॉपर बैठा है कि नहीं, पेशेंट को दर्द हो रहा है क्या और पेशेंट को कोई डिस्कम्फर्ट है क्या, ये सब चीजें ये एक सर्जन ध्यान में रखता है। और सर्जन को प्रॉपर ट्रेनिंग मिली रहती है कि कोई भी इमरजेंसी हैंडल करने की उसको प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। और इस सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि एक पर्सन सर्जरी में कैसा बिहेव करेगा, उसका बॉडी कैसा बिहेव करेगा, ये कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। हमने इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, पेशेंट का फिटनेस सर्टिफिकेट लेते हैं कि पेशेंट इज फिट फॉर सर्जरी, लेकिन उसके बावजूद कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस भी रहते हैं। और जब ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो उनको अर्ली डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है, और वो सर्जन कर सकता है क्योंकि उसका सालों का एक्सपीरियंस रहता है कि हाँ ये चीज हो रही है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, और वो टाइमली उसको इंटरवेन कर सकता है और वो कॉम्प्लिकेशन को बचा सकता है। ये चीजें नॉन सर्जन्स को नहीं मालूम होती। डर्मेटोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन और सर्जन हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कर सकते हैं, ऐसा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मानना है। लेकिन आजकल बहुत सारे हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स चालू हो गए हैं, वहां टेक्नीशियंस ये हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करते हैं। इन टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग तो मिली है कि हेयर ट्रांसप्लांट करने की ग्राफ कैसे निकालना है और वो कैसे प्लांट करना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, तो कोई भी ये सब चीजें कर सकता है। लेकिन इन टेक्नीशियंस को कॉम्प्लिकेशन हैंडल करने का कोई भी ट्रेनिंग नहीं होता, और फिर कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं और उसका खामियाजा पेशेंट को ही भुगतना पड़ता है। इसलिए सर्जन का रोल हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसके साथ हमने देखा है बहुत सारे क्लिनिक्स में हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी प्रोसीजर रूम में होती है। जब सर्जन हेयर ट्रांसप्लांट करता है तो उसको मालूम है कि ये हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी है और उसके लिए ओटी ऑपरेशन थिएटर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं जो कि एक इमरजेंसी में काम आए और इमरजेंसी को अवॉइड कर सके, तो इसलिए सर्जन होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है कि पेशेंट का एस्थेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एक सर्जन को मालूम होता है कि क्या करने से इस पेशेंट को अच्छे तरह का रिजल्ट आएगा, वो प्रॉपर प्लान करके सर्जरी करता है कि मुझको इतने नंबर ऑफ ग्राफ में ये पेशेंट को लुक देना है, इस पेशेंट को इतना ग्राफ लगेगा, वो ग्राफ कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, ये सब उसको प्रॉपरली मालूम रहता है। और इसमें नेचुरल लुक आना बहुत जरूरी है। नेचुरल लुक के लिए हेयर का एंगल, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देन डेंसिटी, प्रॉपर डेंसिटी, क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड ग्राफ नहीं है, तो अवेलेबल ग्राफ में अच्छा डेंसिटी लाने के लिए कौन से ग्राफ कहाँ पर प्लांट करना है, मीन सिंगल हेयर कहाँ पर प्लांट करना है, टू हेयर ग्राफ कहाँ पर प्लांट करना है, मल्टी हेयर ग्राफ कहाँ पर प्लांट करना है, ये सब प्लान सर्जन के दिमाग में रहते हैं। हेयर लाइन डिजाइनिंग, उसमें भी एस्थेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब चीजें एक सर्जन को प्रॉपरली मालूम होते हैं और उससे वो हेयर लाइन डिजाइन करता है। अगर कभी कभी क्या होता है, पेशेंट के कुछ एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रहते हैं, तो उसका प्रोज और कॉन्स सर्जन पेशेंट को समझा कर उसको प्रॉपर एडवाइस करता है और उसके हिसाब से फिर सर्जरी होती है, जिससे कि नेचुरल लुक मिलता है। तो ये नेचुरल लुक आने के लिए प्रीमेड स्लिट्स लेना बहुत जरूरी है।
ये प्रीमेड स्लिट्स मीन्स जो होल्स हम बनाते हैं ग्राफ डालने के लिए, उनको प्रीमेड स्लिट्स बोलते हैं। वो सर्जरी के पहले होता है और सर्जन वो प्रीमेड स्लिट्स बनाता है। तो वो स्लिट बनाते वक्त वो हर एक हेयर का एंगल क्या होना चाहिए, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, कहाँ पर कौन से ग्राफ डालने हैं, ये सब करते वक्त पेशेंट के एग्जिस्टिंग हेयर को कुछ डैमेज नहीं होना चाहिए। पेशेंट के एग्जिस्टिंग हेयर्स में हमको मर्ज होना होता है, तो ये सब चीजें सर्जन अच्छी तरह हैंडल कर सकता है। पेशेंट को एनेस्थीसिया एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो एनेस्थीसिया में भी कभी कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है तो वो टैकल सर्जन बेटर करता है। फिर एनेस्थीसिया, पेशेंट को एनेस्थीसिया अच्छी तरह बैठना चाहिए, ड्यूरिंग प्रोसीजर पेशेंट को कोई पेन नहीं होना चाहिए, इसके लिए प्रॉपर एनेस्थीसिया में फिर नर्व ब्लॉक होते हैं, रिंग ब्लॉक होता है, तो उसका सही इस्तेमाल करके मिनिमम एनेस्थीसिया ड्रग में पेशेंट को बिल्कुल पेन नहीं होगा, इसका ध्यान सर्जन रखता है। तो और ये सब चीजें टेक्नीशियंस को मालूम नहीं होती और इसलिए बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है। और सेप्टिक प्रिकॉशन लेना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ओटी सेटअप में ही हो सकता है जिसमें पूरा ओटी का फ्यूमिगेशन होता है सर्जरी से के पहले, तो वहां का एनवायरमेंट पूरा असेप्टिक होता है, इसलिए सर्जन का होना हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है।